जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। कौवे देते हैं धन के और मृत्यु के संकेत, अगर ध्यान दिया तो मिलेगा खजाना। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष बातें काक तंत्र से, यानी कौवे की विशेषताएं, कैसे ये संकेत देता है हर बात का, जो काफी लोग समझ ही नहीं पाते। कौवा हिंदू शास्त्र में बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि जब भी पितरों को खुश करना होता है, शनि देव को खुश करना होता है या यम देव की कृपा प्राप्त करनी होती है, तब कौवे से ही जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। यानी कि कौवे को ही खाना खिलाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यही वो पक्षी है जो संकेत देता है आपको जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में। लेकिन काफी लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं है, इसलिए इनके संकेतों के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार ये संकेत देता है और कैसे आप इन्हें समझ सकते हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि बहुत से लोग कौवे के लिए अपने छत पर खाना तो डालते हैं, लेकिन एक भी कौवा वो खाना खाता ही नहीं है। और यही कौवा उन लोगों के घर में जाके बैठता है जहां उन्हें कोई भी खाना नहीं डालता है, लेकिन इसके बावजूद कौवे वहीं बैठते हैं और आप उन्हें बुलाएंगे, खाना डालेंगे, तो भी वो आकर खाना नहीं खाते हैं। इसका मतलब साफ है, शनि की कृपा आप पर है ही नहीं, पितृ आपसे प्रसन्न है ही नहीं। अगर शनि और पितृ आपसे प्रसन्न है तो वो कौवा रोज आपके छत पर आता है, और एक नहीं बहुत से कौवे रोज आते हैं। तो इसी प्रकार ये संकेत भी देता है हर होने वाली बात का, जो मैं आपको आज बताऊंगी कि किस प्रकार आप उसके संकेतों को समझकर पहचान सकते हैं और अपने साथ होने वाली बातों को पहले ही जान सकते हैं। अगर आपका कोई कार्य है, अटका हुआ है, आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको अचानक से कौवा दिख जाता है जिसकी चोंच में कोई भी खाना है, फल है या फिर रोटी है, तो ये संकेत देता है कि आपका कार्य पूरा होने वाला है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आप अचानक से किसी भी कौवे को देखते हैं जिसकी चोंच में कोई भी खाना है या घोंसला बनाने के लिए कोई तिनका है, तो ये संकेत देता है जिस भी कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। अगर आप अपने छत पर खाना डालते हैं और कौवा खाते हुए आपको दिख जाता है, तो ये संकेत होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित ही धन लाभ से जुड़ी हुई समस्याओं में सफलता मिलेगी। वहीं अगर आपको कौवा किसी गाय के ऊपर बैठा हुआ दिखता है, तो ये संकेत होता है कि जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हुई है उससे अब आपकी दुश्मनी खत्म होने वाली है। अगर आपको कभी भी कौवा दिखता है खाना खाते हुए और अपने पैर से अपने सिर को खुजाते हुए दिखता है, तो ये संकेत है कि आपके सभी कार्य पूरे होने वाले हैं और आपको अपने मित्रों से भी काफी सहयोग मिल सकता है। इसलिए ऐसे संकेतों को कभी भी खाली ना जाने दें, उनका भरपूर लाभ उठाएं। अगर आप इन संकेतों को देखकर समझ जाते हैं तो अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश जरूर करें, वो निश्चित ही सफल होंगे। अगर आपको दो कौवे आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि आपको घोर कष्ट होने की संभावना हो चुकी है, या फिर आपके आसपास कहीं भी कोई व्यक्ति जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ कोई ना कोई घटना होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति पर कौवा कुछ चीज गिरा देता है, तो इसका मतलब है उसके जीवन में शनि के दुष्प्रभाव शुरू होने वाले हैं और उसे बहुत ही संभल कर रहना है, नहीं तो वो किसी भी बड़ी परेशानी में फंस सकता है। आपने काफी बार देखा होगा कि काफी लोग जब बहुत सारे कौवे बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो लोग उन्हें उड़ाने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। अगर बहुत सारे कौवे बैठकर आपस में बहुत ज्यादा आवाज करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको धन हानि हो सकती है, आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे संकेत की स्थिति मिलने पर आपको बिल्कुल संभल कर रहना चाहिए और किसी से भी वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए। इन संकेतों को अगर आप समझ कर अपने जीवन में उतारते हैं और इनका फायदा उठाते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन से परेशानियां कम होती है और आपको धन लाभ जरूर होता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे बहुत आसानी से जल्दी नहीं दिखते हैं, तो अगर आपको कभी भी कौवे के अंडे दिख जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अचानक से कहीं से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कहीं से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार ये काफी संकेत देता है जिसके बारे में काफी लोग जानना भी चाहते थे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आज बताया है, जिससे आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो जान लीजिए इन संकेतों को और देखिए कि कैसे आपके साथ भी हर चीज शुभ शुभ होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।